से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हमारी क्लासरूम में भी आपका स्वागत है। मैं हमेशा जो भी टॉपिक लेकर के आती हूँ, जरूरी नहीं कि वो किसी एक क्षेत्र विशेष का हो या एक समय विशेष का हो, बच्चों के आवश्यकता अनुसार, उसके आग्रह के अनुसार मैं थोड़ा परिवर्तन करती हूँ अपने टॉपिक के क्षेत्र का। और क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है और हमेशा महत्वपूर्ण ही है और महत्वपूर्ण ही रहेगा, तो आज मैं आप लोगों के पास फिर से पश्चिमी एशिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, और वह है मेंडेट सिस्टम इराक में। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को देखें, पूरा देखें ज्ञानवर्धन के लिए, और लाइक करें मुझे खुश करने के लिए, और कमेंट करें मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने विषय पर चलते हैं। इराक में मैंडेट व्यवस्था क्या था? मैंडेट व्यवस्था को हम ये कह सकते हैं इराक में संरक्षण प्रणाली, संरक्षण सिस्टम। तो चलिए पहले हम मैंडेट के बारे में जानते हैं, ये क्या था संरक्षण सिस्टम, संरक्षण प्रणाली क्या थी। तो हम चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार पे, प्रथम विश्व युद्ध पे, और हम क्या देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मित्राष्ट्रों की विजय हुई, विजयी हुए थे मित्राष्ट्र और धुरी राष्ट्र पराजय हुआ था जैसा कि हम जानते हैं। अब इस विजय और पराजय में हमने क्या देखा, बहुत तरह की संधियां हुई, राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, और जो देश विजयी हुए थे, जिन देशों ने विजय प्राप्त किया था, उन्होंने अपने अनुसार विजित देशों के साथ तरह तरह की संधियां की जो उनके फायदे के लिए थी। राष्ट्र संघ बना कि आगे के समय में फिर ऐसी युद्ध, भयावह युद्ध ना हो, या अगर कोई मतभेद हो दो देशों के बीच तो उसे सुलझाया जा सके। तो यह इस उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन राष्ट्र संघ में कौन थे? राष्ट्र संघ में जो सदस्य थे, मुख्य सदस्य, वो मित्र राष्ट्रों के ही सदस्य थे, मित्र राष्ट्रों के देश से ही थे। तो यहां पे संरक्षण व्यवस्था की बात की गई, शुभचिंता की बात की गई कि हमें अरब प्रदेशों पे ध्यान देना होगा क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने तर्क रखा। और इसके तहत एक व्यवस्था की शुरुआत की गई जिसमें कुछ अरब देशों को संरक्षण देने के ख्याल से उसे अपने अधीन किया गया। अगर हम कहें, ऐसे देखें, सीधे नजर से देखें, तो ये लगेगा कि अच्छा 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 वो कमजोर देश हो गए थे, उन्हें सहारे की आवश्यकता थी, इसलिए मित्र राष्ट्रों के जो देश थे, जो राष्ट्र संघ में जो देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब बहुत शुभचिंतक है इन लोगों के, इसलिए इन कमजोर देशों को संरक्षण देना चाहते हैं, ऐसा लगेगा देखने से। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो इसके पीछे क्या बात थी? इसके पीछे वही साम्राज्यवाद ही था, वही एक लालच था अपने साम्राज्य का विस्तार किसी ना किसी रूप में, क्यों ना हम संरक्षण के नाम पर ही हम अपने साम्राज्य को मजबूत बना के रख सकें, वहां पे अपना
फायदा वहां से कमा सके, यही एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन क्या कहा गया कि संरक्षण देना होगा। तो इस तरह फ्रांस और इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को अपने अपने संरक्षण में लिया। तो ब्रिटिश के हिस्से में इराक आया, पैलेस्टाइन आया, और फ्रांस ने अपने हिस्से में सीरिया लिया। तो इस तरह से उन लोगों ने बांट लिया इन प्रदेशों को। तो आज हम बात करेंगे इराक में मैंडेट व्यवस्था की, मैंडेट सिस्टम की। तो ये तो हो गया, मैंडेट सिस्टम को हम समझ गए क्या था। एक संरक्षण प्रणाली जो सैन रेमो की संधि के अनुसार किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि 25 अप्रैल 1920 में ब्रिटिश को इराक का मैंडेट सिस्टम वहां शुरू कर दिया। तो इस तरह 25 अप्रैल 1920 एक महत्वपूर्ण समय है जब ब्रिटिश मैंडेट शुरू हुआ इराक में। इराक के बारे में हम थोड़ी बात जान लेते हैं कि इराक एक अरब प्रदेश है। हाँ, और इस अरब प्रदेश में बहुत सारे देश हैं। यह अरब प्रदेश में हम देखते हैं कि 16-17वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आ गया ये। अब ये अरब प्रदेश अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त करके अरब, स्वतंत्र अरब राज्य के रूप में अपने आप को रखना चाहता था। वह एक बिल्कुल स्वतंत्र होकर, वो किसी ऑटोमन साम्राज्य को मानने को तैयार नहीं था, अब उसे स्वतंत्रता चाहिए थी। इसी बीच हम देखते हैं कि युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के पहले हम क्या देखते हैं कि इराक के 2-3 मुख्य शहर थे, मोसुल, बसरा और बगदाद। इन पर ब्रिटिशों ने अपनी नजर लगा के गड़ा के रखी थी। क्यों? 1917 में ही बगदाद पर, मोसुल पर ब्रिटिशों ने अपना कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था युद्ध, उस समय युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में वो जो एक अड्डा था, इराक जो एक क्षेत्र था, इराक का जो बगदाद या मोसुल, बसरा, ये सारा क्षेत्र था, यह युद्ध के हिसाब से बहुत ही काम का था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। उसने उस पर अपना कब्जा जमाया और वहां से युद्ध किया, जिससे उसे आसानी हुई युद्ध करने में। और एक प्रकार से हम कहें तो इराक में ब्रिटिशों ने अपना एक दबदबा बना करके रखा था। अब युद्ध 18 में समाप्त हो गया, पेरिस की संधि हुई, और इसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई, और उसके बाद ये मैंडेट व्यवस्था कायम हुई। और मैंडेट व्यवस्था कायम होने के बाद क्या हुआ कि यहां पे ब्रिटिश अधिकारी आ गए कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा, संरक्षण, रक्षा, जो भी कहा जाए, इसके लिए हम ब्रिटिश इराक के पास हैं। इराक तो शुरू से ही स्वतंत्र होना चाहता था, ऑटोमन साम्राज्य से मुक्ति चाहता था। उसे बहुत शौक नहीं था कि वह ब्रिटिश के अंदर रहे। तो ऐसी स्थिति में वहां के लोगों ने, अरब के लोगों ने, अरबों ने भयंकर विद्रोह कर दिया। उस समय ब्रिटिश अधिकारी ए.टी. विल्सन थे। और जब ऐसी बात हुई, जब अरब के लोगों को पता चला कि अब हम लोग स्वतंत्र नहीं हुए युद्ध के बाद, बल्कि हम लोगों पर शासन करने के लिए ब्रिटिश खड़े हैं, तो उन्हें बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और क्या हुआ कि मैंडेट स्थापना के बाद भयंकर विद्रोह किया अरबियों ने,
बहुत ही जोरदार विद्रोह हुआ जिसमें बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लोगों की जान चली गई, खासकर जो अंग्रेज थे, चाहे अंग्रेज नागरिक थे वहां पे या अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेजों के ब्रिटिशों के परिवार थे, बहुत बुरी तरीके से विद्रोह और उसका परिणाम निकला जिसको देख करके ब्रिटिश भी डर गए और उन्होंने सोचा कि इस तरह ये एक प्रकार से जिहाद का रूप ले लिया था, धर्म युद्ध के रूप में ये सामने आ गया था ये विद्रोह। कहने का मतलब कि बहुत ही भयावना, बहुत ही खौफनाक मंजर जिसे कहा जाएगा वो था। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अल अहद ने किया। अब ब्रिटिशों ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ऐसी स्थिति को रोका जाए और ऐसी स्थिति को आने ना दिया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए काउंसिल ऑफ स्टेट का निर्माण हुआ। किसने किया? सर पर्सी कोक्स ने। एटी विल्सन को हटा दिया गया, उसके जगह पर सर पर्सी कोक्स आए और इन्होंने इराकियों को समझाने के उद्देश्य, उसे ठंडा करने के उद्देश्य, उसे एक प्रकार से शांत करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना की। इसमें क्या कहा गया कि भाई तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग इसमें मेंबर रहोगे, तुम इसमें सदस्य रहोगे, तुम जो चाहोगे तुम्हारे अनुसार काम होगा। बहुत तरीके से इराकियों को खुश करने की बात या उन्हें संतुष्ट करने की बात कही गई। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वहां पर 23 अगस्त 1921 को आमिर फैसल को जो है वहां का राजा बना दिया गया, उसका राज्याभिषेक किया गया। ये आमिर फैसल जो थे यह भी अरब स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। वो भी जो है शुरू से ही चाहते थे कि अरब देश स्वतंत्र हो, ना कि किसी के अधीन रहे। ब्रिटिशों ने कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया और उन्हीं में से वो जो स्वतंत्रता के लिए अग्रसर हैं, तत्पर हैं, उन्हीं को उठा करके बैठा दिया सुल्तान के, भाई अब कौन अब विद्रोह करेगा, वही विद्रोह कराना, उसी का पार्टी का आदमी, इसी को बैठा दो। कितनी बड़ी कूटनीतिज्ञता थी, सोचिए। आमिर फैसल बैठ गए, राज्याभिषेक उनका हो गया। अब सब कुछ शांत हो जाएगा ऐसा ब्रिटिशों का सोचना था, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। ऊपर से जब ये बैठे तो यहां बहुत सारी समस्याएं खड़ी थी जिसे संभालना इनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ब्रिटिश ने इन्हें अपना संरक्षण या अपना शुभचिंतक बताया और आमिर फैसल ने भी बाहर से यह दिखाया ब्रिटिश को कि हम आपके अनुसार ही चल रहे हैं, लेकिन अंदर से वह अरब स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध था। फिर से 1922 में फिर से भयंकर विद्रोह हुआ ब्रिटिश मैंडेट के खिलाफ, अरबों ने विद्रोह किया और इस बार ब्रिटिश ने आमिर फैसल के साथ संधि की कि भाई ये तो बार बार हो रहा है, ये बहुत गड़बड़ है, तो इस तरह नहीं चलेगा, आपस में हम लोग को बैठ के संधि करनी होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आमिर फैसल किस तरह इराक का राजा बन गया। वह इराक जिसकी गौरवमयी इतिहास रही है, वह मेसोपोटामिया की सभ्यता हमने जो पढ़ा है उसमें इराक दजला फुरात नदी के किनारे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी वही इराक था। और आज इराक की यहां ये स्थिति थी जो इराक ब्रिटिश के हुकूमत के अंदर था।
फैसल ने अपने जनता का प्रतिनिधि भी था वो, उसने अंग्रेजों के साथ संधि की। चार महत्वपूर्ण संधि फैसल ने की। सबसे पहली संधि 22 अक्टूबर 1922 को की, जो हमने बताया कि 1922 में एक बार फिर भयंकर विद्रोह हुआ। और इस संधि में ब्रिटिश और अमीर फैसल, जो अरबों का प्रतिनिधि बन के बैठा, यहाँ पे ब्रिटिशों ने जो संधि की वो पूरी तरह से अपने पक्ष में की और कह दिया कि ये संधि जो है 20 साल तक के लिए चलेगी। लेकिन इस संधि में क्या था, हर बात ब्रिटिश की थी। ब्रिटिश यहाँ पे शासन में परामर्श देगा, ब्रिटिश यहाँ का अधिकारी होगा, ब्रिटिश जो कहेगा वैसा ही होगा। कहने का मतलब कि ये जो संधि थी पूरी तरह से ब्रिटिश के पक्ष में थी। इसे देख करके फिर से विद्रोह हो गया कि ये क्या संधि किया है आपने अमीर फैसल जी, ये हमारे लिए इसमें क्या शुभचिंता है। सिंपल सी बात है, ये तो ब्रिटिशों ने अपने लिए सारी बातें कही, हमारा इसमें क्या है। इस बात को लेकर के फिर से उस संधि को दोहराया गया और जो संधि होने वाली थी 20 साल बाद, वह हम देखते हैं 22, 23, 24, 25, 4 साल के बाद ही वह संधि फिर से दोहराई गई। और इस तरह संधि होते गई, उसके बाद फिर ये संधि भी 24-25 साल के लिए की गई थी, लेकिन पुनः इस संधि को, इससे संतुष्ट लोग नहीं हुए और फिर संधि करनी पड़ी। और अंततः हम देखते हैं कि 30 जून 1930 को ब्रिटिश मैंडेट को खत्म कर दिया गया। जब 14 दिसंबर 1927 को संधि हुई, उस समय अरबों के जो प्रतिनिधि थे, अमीर फैसल ने कहा कि हमें राष्ट्र संघ में प्रतिनिधि तो दीजिए, मतलब राष्ट्र संघ में हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। इस बात के लिए ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ, इराक का प्रतिनिधि राष्ट्रमंडल राष्ट्र संघ में होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातों को फैसल ने मनवाया कि हमारे मंत्रिमंडल में इराकियों की संख्या होनी चाहिए, हमारे यहाँ जो बड़े अधिकारी हैं उसमें ब्रिटिश अधिकारी नहीं बल्कि इराकी हो। हाँ भाई, ठीक है, वो होगा। तो कहने का अर्थ है कि इन चार संधियों ने अरब इराक का जो प्रशासन था, वहां की जो राजनीति थी, वहां का जो अर्थव्यवस्था था, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया और उसमें इराकियों की संख्या अरबों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। और ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश से आए हुए अधिकारी थे या जो भी ब्रिटिश के उच्चायुक्त थे, उनकी जो है उनका जो है पावर थोड़ा कम हो गया। लेकिन ये अलग बात है, उन्होंने अंत अंत तक अपना पूरा प्रभाव सुल्तान पे या राजा पे, शासक पे जमाए रखा, आमिर फैसल पे जमाए रखा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि अंततः जो है 30 जून 1930 को एक प्रकार से घोषणा हो गई कि हाँ, हम अपना यहाँ पे ब्रिटिश जो है आप लोगों को स्वतंत्र छोड़ देगा, आप जो है सो अपनी शासन व्यवस्था खुद चलाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि उस समय मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे देश आए थे, कुछ फ्रांस के अंदर थे, कुछ ब्रिटेन के अंदर थे, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन, पैलेस्टाइन, ये सारे देश थे। लेकिन इन सारे देशों को बहुत दिनों तक अपने जो संरक्षक देश हैं उनसे युद्ध करना पड़ा, बहुत दिन तक उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करनी पड़ी। जबकि इराक सबसे जल्दी मुक्त हो गया संरक्षक व्यवस्था या मैंडेट प्रणाली से, सबसे जल्दी छूट गया। अब हम बात करते हैं इराक का वैदेशिक संबंध किसके साथ। इराक का वैदेशिक संबंध हम देखते हैं कि इराक में जब अमीर फैसल सुल्तान बना तो उसकी स्थिति बहुत आराम वाली नहीं थी। उस समय इराक की स्थिति बहुत खराब थी। सीमा निर्धारण, जैसे कि हम जानते हैं, अगर मान लीजिए ये इराक है
ये इराक है, तो इसके उत्तर में हम देखते हैं तुर्की, इधर हम देखते हैं सीरिया, सीरिया और ट्रांसजॉर्डन, इधर हम देखते हैं सऊदी अरब और इधर ईरान, ईरान। तो ये चारों तरफ से ये देश थे, बीच में इराक था। सीमा निर्धारण की समस्या यहाँ पे बनी हुई थी। तुर्की का कहना था कि इस क्षेत्र से हमारा लेना देना है, हमको चाहिए। इधर इब्न सऊदी अरब का, इब्न सऊद का भी कुछ सीमा निर्धारण संबंधी मामला था। कहने का मतलब कि सीमा निर्धारण एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इस सीमा निर्धारण को इराक ने ब्रिटिश अधिकारियों के से मिल करके यहाँ की समस्याओं को सुलझाया। तुर्की इराक में एक जगह था मोसुल, जैसा कि मैंने बताया। तुर्की का कहना था कि वो हमारा है, इराक का कहना था वो हमारा है। ऐसे समय में ब्रिटिश ने इस समस्या को, ब्रिटिशों ने ले गया राष्ट्रसंघ, और वहां पर यह निश्चित हुआ कि नहीं, ये इराक में ही रहेगा। और इसमें जो तेल के क्षेत्र थे और जो तेल उत्पादन होगा उसमें से 10% तुर्की को मिलेगा। तो इस तरह तुर्की में जो ये समस्या थी, तुर्की की जो ये सीमा निर्धारण की समस्या थी, वह निपट गई। इसमें ब्रिटिशों का बहुत बड़ा हाथ था, ब्रिटिशों ने आगे बढ़कर इस मामले में इराक की मदद की थी। अब हम बात करते हैं सीरिया, ट्रांसजॉर्डन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ईरान से भी शांतिपूर्ण संबंध था, सऊदी अरब में इब्न सऊद थे, तो इब्न सऊद की पुरानी दुश्मनी थी जो अब तक खत्म हो गई थी। तो इब्न सऊद से भी जो है अब उनका संबंध अच्छा हो गया था, और अमीर फैसल जो है ये खुद भी शांति पूर्वक जीने और जीने दो में विश्वास करते थे। उनका भी जो है बहुत ज्यादा वो युद्ध के लिए तत्पर नहीं रहते थे, या बहाना नहीं ढूंढते थे, ये हम कह सकते हैं। ऊपर से हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों की समस्याएं थी वहां, बहुत तरह की जातियां थी। एक तो छोटे छोटे स्वतंत्र कबीले बहुत सारे थे, इन पर राजनीतिक नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े अधिकारी भी उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कुर्द समस्या, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें ये जो कुर्द जाति के लोग थे 5 देशों में फैले हुए थे। इनकी समस्या जो है ये बहुत ही उग्र होते थे, बहुत लड़ाकू होते थे, और इन्हें संभालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। असीरियन ईसाई थे, वो भी जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा वो विद्रोह करते रहते थे, झंडा खड़ा करते रहते थे। तो ऐसी ऐसी समस्याएं जो थी उससे अमीर फैसल को लड़ना था और उसे दूर करना था। तो इस तरह हम देखते हैं कि सीमा निर्धारण और विभिन्न जातियों की जो समस्याएं हैं, प्लस सऊदी अरब और ईरान के साथ तो सब ठीक ठाक ही हो गया था। अब हम बात करते हैं इराक के आंतरिक समस्याएं। आंतरिक समस्याएं भी वही थी, बहुत सारे जातियों का वहां होना, बहुत सारे अर्ध स्वतंत्र कबीले जिनको कंट्रोल करना मुश्किल था, ये जो कुर्द जाति थे उन्हें ब्रिटिशों का भी समर्थन प्राप्त था, ऊपर से 5 देश उसके समर्थन में थे। तो ऐसे समय में इनको समझाना, इनको नियंत्रित करना अमीर फैसल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। असीरियन ईसाई थे, तुर्की से बहुत सारे ईसाई असीरिया से भाग करके आ गए थे इराक में, और इराक में अपना बसेरा बना लिए थे, और अब इन्हें यहाँ स्वतंत्रता चाहिए थी, जिसके कारण इन्हें बहुत तरह के अधिकार चाहिए थे, जो जब न तब विद्रोह के रूप में, अशांति के रूप में खड़े हो जाते थे। सिया सुन्नी का जो मामला है वो भी वहां बहुत बड़ा, मतलब बड़ा था।
अमीर फैसल जो था थे वो खुद सुन्नी थे और शियाओं का वहां बहुत दबदबा था। ऐसे समय में अमीर फैसल का बहुत ही संतुलित व्यवहार, संतुलित कार्रवाई ने इस जो ये जो माहौल था इस पे बहुत बढ़िया से इसे पैचअप किया। ऊपर से क्या देखते हैं, कुछ छोटी छोटी जातियां भी थी, कुछ तुर्क लोग वहां के बस गए थे, कुछ यहूदी आकर के बस गए थे, कुछ ईरानी आके बस गए थे। इनकी भी रोज नई नई समस्याएं खड़ी होती थी, रोज इनको भी अधिकार चाहिए था, रोज इन्हें भी तरह तरह के ग्रीवांसेस होते थे इनसे, तो इन्हें भी संभालना इनका काम था। ऊपर से हम क्या देखते हैं कि बगदाद में गैलानी परिवार था, बहुत सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित परिवार थे जो चाहते थे कि आमिर फैसल उनको विशेष महत्व दे और उनके अनुसार काम करे। आमिर फैसल ने महत्व दिया और इन्हें राजनीतिक दृष्टि से जो क्षेत्र इन्हें इनके लिए जो चाहिए था वो दिया, पद प्रतिष्ठा दी ताकि ये खुश रहें, और उन्हें यह बताया कि मैं भी जो हूं अरब स्वतंत्रता का समर्थक हूं। जो उस समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बन गई थी, बहुत सारी पार्टियां जो अरब को स्वतंत्र कराने के लिए आतुर थी, ऐसे में अमीर फैसल ने बताया कि मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, हमें अलग मत समझिए। तो ये उनकी कूटनीतिज्ञता थी, उसने बहुत चालाकी से उसने अपने लोगों को भी अपने विश्वास में लिया और ब्रिटिश को भी अपने विश्वास में लिया। वो उनसे लड़ने या झगड़ करके या उनसे मतभेद करके किसी भी काम को अंजाम देना नहीं चाहते थे। इसके अलावा क्या है कि बहुत ज्यादा इराक में अशिक्षा थी, लोगों के पास शिक्षा की बहुत कमी थी, ना अच्छे स्कूल थे, ना अच्छे कॉलेज थे, ना यूनिवर्सिटी थी। अगर किसी को शिक्षा प्राप्त करना हो उसे तुर्की जाना पड़ता था, उसे दूसरे देश जाना पड़ता था। ऐसे में वहां के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना उनकी जिम्मेवारी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाल वगैरह जो प्राकृतिक आपदाएं होती है इसका प्रकोप अलग से रहता था, तो ये सारी आपदाएं या समस्याएं आमिर फैसल के सामने खड़ी थी, जिसे आमिर फैसल ने बहुत ही सजगता से, बुद्धिमता से, कूटनीतिज्ञता से इसका निराकरण किया और ये अपने आप में फैसल की एक उपलब्धि थी। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, फैसल की आंतरिक नीति अब हम देखते हैं। जब इतनी सारी समस्याएं थी तो अब इसे सुलझाना भी होगा, तो क्या करना है, अरब स्वतंत्रता आंदोलन का वो प्रबल समर्थक है, ये बताया लोगों को कि मैं अरब स्वतंत्रता आंदोलन का प्रबल समर्थक हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी के अधीन ना रहूं बल्कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश हो। इसके चलते उन्होंने विभिन्न राजनीतिक के जो पॉलिटिकल पार्टी थे उसके नेता थे उनको अपने विश्वास में लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने देश के लिए एक संविधान का निर्माण कराया, 1924 में एक संविधान निर्माण कराया, एक मंत्रिमंडल बनाया जहां पर इराकियों की हित की चिंता होती थी, जहां उनके उन्नति की चिंता होती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर इराकियों को रखा गया। ब्रिटिश के जगह पहले जो जिन बड़े बड़े पदों पर या अधिकारी ब्रिटिश होते थे, अब उन पदों पर या उन अधिकारियों की संख्या में अगर हम देखें तो वो इराकी ही ज्यादा आ गए थे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इतना सब आमिर फैसल ने कैसे किया, ब्रिटिशों को अपने विश्वास में लेके, ना कि उससे लड़ाई करके। राष्ट्रसंघ तक इराकियों की आवाज पहुंची, इसमें ब्रिटिशों का बहुत हाथ था, उन्होंने उनको बहुत मदद की इस मामले में। जो मोसुल की समस्या थी, तुर्की से विवाद था, उसको लेकर हम देखें तो ब्रिटिश ने इराक का बहुत साथ दिया, आमिर फैसल का बहुत साथ दिया। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत जल्दी, सोचिए बात है 25 अप्रैल 1920 की, और 1932 में जो है
इराक को ब्रिटिश मैंडेट से मुक्ति मिल गई। ये अलग बात है कि बहुत सारे मामले में उससे पहले जो है 1930 तक ये जो संधि हुई थी उसके बाद जो है एक प्रकार से उन्हें मिल ही गया था स्वतंत्रता, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर जैसे किसी वैदेशिक मामलों पर या किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर परामर्श लेना हो तो उसमें ब्रिटिश का होना अनिवार्य था। किसी भी तरह का हथियार खरीदना हो, बेचना हो, युद्ध संबंधी बात करनी हो, तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर ब्रिटिश उच्चाधिकारियों की सलाह लेनी आवश्यक थी इराक को। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे इराक ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और 1932 में इराक को ब्रिटिश मैंडेट से स्वतंत्रता मिल गई। मात्र 10-12 साल के अंदर इराक ब्रिटिशों से मुक्त हो गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और पश्चिमी एशिया के इतिहास में उसके बाद लोगों के लिए एक आदत हो गया कि देखो आमिर फैसल ने कैसे अपने देश को अपने स्वतंत्र करा लिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इराक में जो ब्रिटिश मैंडेट स्थापित हुआ था और अमीर फैसल ने जो भूमिका अदा की, यह एक प्रेरणा का स्रोत है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके साथ ही आज मैं समाप्त करती हूँ अपने इस क्लास का। धन्यवाद।